स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको बहुत अच्छे से पता है इस समय सर्वर इतना डाउन है, जिसके वजह से नॉर्मल तरीके से IRCTC की वेबसाइट या फिर रेल गेट एप्लीकेशन से तत्काल टिकट नहीं मिल पा रहा है। तत्काल का पूरा खेल दोस्तों इस समय रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर हो रहा है, या फिर अलग अलग जो एजेंट बैठे हैं जो इलीगल तत्काल सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी बाजी मार ले जा रहे हैं। तो इसी बीच दोस्तों एक बेड अपडेट आई है रेलवे की तरफ से। उन लोगों के लिए बेड अपडेट है दोस्तों जो ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं। रेलवे का कहना है कि दोस्तों जो ऑफलाइन रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है उनके सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया है दोस्तों, पहले जो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर एक टिकट बुक होने में, मतलब एक PNR जनरेट होने में 40 से 45 सेकेंड लगते थे। रेलवे का कहना है कि अब वो सिस्टम हमने अपग्रेड कर दिया है, अब एक PNR मतलब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर एक PNR बुक होने में ओनली 20 सेकेंड लगेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रेलवे कहना है कि वहाँ पे सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया है। अब दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तत्काल टिकट काउंटर पर मिलने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ओनली 20 सेकेंड में 1 PNR जनरेट हो जाएगा रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर। पहले के समय क्या होता है दोस्तों, 40 से 45 सेकेंड लगते थे एक PNR जनरेट होने में, लेकिन दोस्तों 20 सेकेंड में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर एक PNR जनरेट हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, तत्काल टिकट बहुत ही जल्दी बुक हो जाएगा और ऑनलाइन मिलने की चांसेस दोस्तों अब और भी कम हो जाएंगे। जी आपने ना बिल्कुल सही सुने, अगर क्योंकि अब दोस्तों आपके पास एक मौका रहेगा PT का जो प्रीमियम तत्काल आता है, क्योंकि प्रीमियम तत्काल काउंटर से नहीं बुक होता है, तो फिर आपके पास चांसेस रहेंगे आप प्रीमियम तत्काल मोबाइल या फिर एप्लीकेशन जो IRCTC की एप्लीकेशन है, वेबसाइट या फिर लैपटॉप वगैरह से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों TQ में अब चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। दोस्तों स्क्रीन पे आप एक टिकट देख सकते हैं, इसमें आप अगर प्रिंटिंग टाइम देखेंगे, जो कि दोस्तों एकदम बिजी रूट की ट्रेन है, प्रिंटिंग टाइम दोस्तों आप देख लीजिए 11:20, ओनली 20 सेकेंड में दोस्तों 1 PNR जनरेट कर दिया गया है। कभी कभी दोस्तों मन में डाउट जाता है कि 20 सेकेंड में 4 नाम टाइपर इतना जल्दी लिख कैसे लेता है, कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं किया जा रहा है। एनीवेज दोस्तों इसी बीच में रेलवे का अपडेट आ गया कि हमारा सिस्टम अपग्रेड हो गया है, अब एक PNR जनरेट करने में ओनली 20 सेकेंड लगेंगे 20 से 25 सेकेंड में। तो फ्रेंड ऐसा लगता है कि हो सकता है सिस्टम अपग्रेड हो गया, जिसकी वजह से 20 सेकेंड के अंदर 1 PNR यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको बस यही छोटी सी अपडेट देने वाला था कि अगर आपको ऑनलाइन तत्काल टिकट नहीं मिलना है तो फ्रेंड आप नज़दीकी PRS काउंटर का सहारा ले सकते हैं। हालांकि बहुत से रेल यात्री मेरे पास कमेंट करके मुझे पहले से ही बता चुके हैं कि सर रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर टिकट नहीं मिल रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दलाली है, अनजान लोग आके टिकट ले लेते हैं, जो पहले से लाइन लगाया उसको टिकट नहीं मिल रहा है, रेलवे सुरक्षा बल हमारी हेल्प नहीं कर रही है। तो फ्रेंड अगर रेलवे आपकी हेल्प नहीं कर रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप 139 पे कॉल करें। जी हाँ फ्रेंड, 139 पे कॉल करके जो रेलवे के कस्टमर केयर है उस पर कॉल करें, और दूसरी जब उस पर आप कॉल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अगर आपके साथ बदतमीजी हो रही है, आप पहले नंबर पर आपको 5वें नंबर किया जा रहा है, तो वहाँ पे फ्रेंड हेल्प की जाएगी। ये चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर जो लोकल पुलिस है वो हेल्प नहीं कर रही तो 139 पे आप कॉल करके वहाँ से दोस्तों हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड बस आज की इस वीडियो में आपको ये छोटी सी अपडेट देने में आया था कि ऑफलाइन सिस्टम और भी हो गया है अपग्रेड, अब ऑनलाइन टिकट मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे ख़राब। तो फ्रेंड आपको जैसे लगे, जहाँ से लगे, आप अपना टिकट करवा सकते हो, क्योंकि दोस्तों तत्काल टिकट में ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऑफलाइन भी बंदा जा रहा है नहीं मिल पा रहा है, दलाल लोग काउंटर कब्जा करके रखे हैं, और ऑनलाइन में दोस्तों सर्वर डाउन कर दिया जा रहा है, जिससे टिकट मिलने का कोई चांस ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।